गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. ओके सो गाइस, आई होप सो हमारा ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है. और जैसा कि आप लोगों को पता है, मंडे टू मंडे आप लोगों के लिए डेली में क्लास लेके आती हूँ पेपर वन की, और साथ ही साथ पेपर टू की भी हमारी रेगुलर क्लासेस चलती है. पेपर टू पेपर वन की जो हमारी रेगुलर क्लास होती है यूट्यूब पे, वो होती है हमारी सुबह 8:30 बजे, ठीक है जी, जहाँ पे मंडे टू फ्राइडे में आपके साथ रिसर्च एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करती हूँ. और वीकेंड पे सैटरडे संडे आप लोगों के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि आप अपने जो लेवल है, अपनी स्टडीज का जो लेवल है, उसे असेस कर सके और साथ ही साथ स्पीड और एक्यूरेसी पे आप लोग काम कर सके, ठीक है जी. इसके अलावा मेरा पेपर टू है कॉमर्स, जिसकी डेली फ्री लाइव क्लास जो होती है यूट्यूब पे, वो शाम 8 बजे होती है. तो ये दो क्लासेस मेरे यूट्यूब पे होती है. जो भी इंटरेस्टेड लर्नर्स है पेपर वन पेपर टू ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑन टाइम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी. इसके अलावा अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी हमारी फ्री लाइव क्लास होती है, और वो होती है आपकी दोपहर 12 बजे, 12 PM आफ्टरनून में आपकी क्लास होती है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में. वहां से आप नोटिफाई भी कर ले, ताकि आप ऑन टाइम क्लास को ज्वाइन कर सके. इसके अलावा अगर आप सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं, नोटिफिकेशन अगर आप अलाउड करना चाहते हैं, तो आप मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल लिंक को फॉलो कर सकते हैं. अनअकैडमी की प्रोफाइल लिंक कहाँ पे अवेलेबल है, तो लाइव चैट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो है आपको अवेलेबल है. वहां से आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं, और वहां पे जो मेरी अपकमिंग स्पेशल क्लासेस हैं, प्लस कोर्सेज हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी है उन्हें आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है जी. इसके अलावा अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आपको काफी सारे सब्जेक्ट्स में मौका मिलता है नेट जेआरएफ की तैयारी करने का, जहाँ पे पेपर वन के साथ साथ पेपर टू के काफी सारे जो है ऑप्शंस आपको अवेलेबल. इसके अलावा जो भी बेस्ट फैकल्टी आपके लिए अवेलेबल होती है किसी और सब्जेक्ट की, तो वो आपके बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं. इसके अलावा अगर आप प्लस लेना चाहते हैं आप प्लस पे जा सकते हैं, आइकॉनिक लेना चाहे आइकॉनिक पे जा सकते हैं. अगर आपको देखिए गाइस, स्ट्रक्चर वे में कंप्लीट कोर्स करना है, कंप्लीट कोर्स इंश्योर करना है, और अगर आपका चाहे टारगेट अक्टूबर हो, चाहे आपका टारगेट जो है 2022 के तक होने वाला हमारा जून एग्जाम हो, कोई भी आपका टारगेट है, वो आप अभी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपके लिए रेलिवेंट होगा, क्योंकि एटलीस्ट वी नीड सम 6 to 7 months टू कंप्लीट आवर कोर्स, है ना. हमें 6 से 7 महीना चाहिए होता है कोर्स को कंप्लीट करने के लिए. PDF नोट्स आपको मिल जाते हैं मेरी सभी क्लासेस की, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है. प्लस कोर्सेज का बेनिफिट क्या है, तो देखिए आपको यहाँ पे मिलती है थ्योरी, यहाँ पे MCQs के साथ साथ आपको थ्योरी और जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाए जाते हैं. यूनिट वाइज स्टडी करवाई जाती है, MCQ सेशन होता है, रिवीजन सेशन होता है, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, क्विज होता है, मेगा क्विज होता है. तो ये सारे फीचर्स जो है, मतलब एक तरीके से क्लासरूम स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है जब आप जाते हैं सब्सक्रिप्शन पे. नॉमिनल से चार्जेस में आप लोगों को प्लस और आइकॉनिक अवेलेबल है. दोनों सब्सक्रिप्शन प्लान में क्या डिफरेंस है, एज यू कैन सी आइकॉनिक में आपको मिल जाते हैं कुछ एक एडिशनल बेनिफिट्स. हियर आर सम एडिशनल बेनिफिट्स जो कि आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, ठीक है जी. इसके अलावा अगर आप पेपर वन एंड पेपर टू कंप्लीट अगर स्टडी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पे जुड़ सकते हैं, आइकॉनिक भी जुड़ सकते हैं. मेरा रेफरल कोड है पूजा 10. चाहे आप किसी भी फ्री क्लास को अनलॉक करना चाहते हैं, इन्वाइट कोड लगा दीजिएगा, या अनअकैडमी का कोई भी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, पूजा 10 कोड आप लगा सकते हैं. PUJ10 ही मेरा रेफरल कोड है, पूजा 10 आपके PUJA10. जैसे अप्लाई करेंगे आपको 10% इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा अपने सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे. प्लस की फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं तो काफी सारे नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको अवेलेबल होते हैं. 12 महीना, 24 महीना अगर हम बात करें तो सबसे इकोनॉमिकल और वैल्यूएबल पैकेज. के अलावा ये जो गिफ्ट बॉक्स आपको नजर आ रहा है, यहीं पर आपने कोड लगाना है PUJA10 फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, ठीक है. इसके अलावा आप आइकॉनिक पर भी जा सकते हैं, अगर आप आइकॉनिक पे जाना चाहें तो EMI और कैश दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं. इसके अलावा सब्सक्रिप्शन प्राइसेस आपके कभी भी इंक्रीज हो सकते हैं 3 महीना और 1 महीना की. बहुत सारे बैच कोर्सेज, रिवीजन कोर्सेज, MCQ बैचेस आपको अवेलेबल है अक्टूबर एग्जाम को लेके. इसके अलावा जून को लेके आपके लिए, देखिए अगर आपका जून टारगेट है या अक्टूबर है, दोनों के लिए आपके लिए प्लस बैच स्टार्ट हुआ है हमारा, और ये हमारा स्टार्ट हुआ है 13 अक्टूबर से, 13th of October से स्टार्ट हुआ है. रिसर्च एप्टीट्यूड में आप लोगों को करवा रही हूँ बेसिक से,
बेसिक्स टू एडवांस में आप लोगों को रिसर्च एप्टीट्यूड का जो हमारा कोर्स है वो कवरअप करवाने वाले। इंटरेस्टेड लर्नर्स एज सून एज पॉसिबल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सो आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ एनवायरमेंट के साथ ही साथ आईसीटी के कुछ एक करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप सो ये सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे। करंट देखिए एनवायरमेंट से तो एक क्वेश्चन करंट का पक्का आना तय है ना, तय से तय है भाई। तो कुछ एक थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन जो कि रिक्वायर्ड है वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एड ऑन किया। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को आपने आंसर करना है सभी ने। और एक बार गाइस वीडियो को शेयर कर दे एवरीवन। अगर भाई अच्छा लगता है कि भाई आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, डेली आते हैं, डेली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ला रहे हैं। और अभी ध्यान रखिएगा स्पेसिफिक सेशन चल रहा है जो, और ये जो स्पेसिफिक सेशन है ये टॉपिक को लेकर चल रहा है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, उन टॉपिक्स को पिक किया जा रहा है। उन टॉपिक्स के साथ साथ उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। सो गाइस रेगुलरिटी के साथ रहिए, 8:30 बजे हमारी क्लास होती है, ऑन टाइम ज्वाइन करें। तो पहला क्वेश्चन है द डांसिंग बियर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के किस स्टेट में डांसिंग बियर जो है वो हमें मिला है बताइए जी। गुजरात में, मणिपुर में, तमिलनाडु में एंड जम्मू एंड कश्मीर में, कहां पे मिला है बताइए जी। चलिए जी तो यहां पे आपको बताना है डांसिंग बियर कहां पे मिला है हमें। करंट तो मतलब काफी इंटरेस्टिंग होता है, रिटेन करना मुश्किल होता है, बट कुछ भी कहो ये टॉपिक होता बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। करंट को पढ़ना तो इंटरेस्टिंग ही होता है। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ है मणिपुर। ये जो डांसिंग बियर मिला है ध्यान रखिएगा ये मणिपुर में मिला है। और ये डांसिंग बियर है क्या, ठीक है, डांसिंग बियर इज द पॉपुलर नेम ऑफ संगल डियर। संगल डियर एक प्रजाति है भाई हमारे डियर्स की, उनमें से जो संगल बियर है उसी को नाम दिया गया है, पॉपुलर किया गया है उसे इस नाम से, डांसिंग बियर के नाम से। विच इज फाउंड ओनली इन केवल लमजाओ ओके नेशनल पार्क इन लोकटक लेक इन मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में एक जगह है ना, तो उसी साइड की है, तो थोड़ा सा उन्हीं की भाषा के अंदर है ये, है ना, मतलब थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है बट बाकी आप समझ ही गए होंगे। लोकटक इज नोन फॉर फुमडीज फ्लोटिंग वेजिटेशंस, ठीक है, फ्लोटिंग वेजिटेशंस के लिए पॉपुलर है ये जो जगह है। एंड द डियर इज ऑफन नीड्स टू बैलेंस इट्सेल्फ ऑन दैम, ठीक है। और इसको क्या होता है देखो, अब फ्लोटिंग वेजिटेशन होती है, अब उसके ऊपर कोई जानवर जाएगा तो ऑब्वियसली उसको अपने आप को बैलेंस करना होगा, और वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है, लोग देख के सोचते हैं कि भाई ये बढ़िया सा डांस कर रहा है, इसीलिए उसका नाम पॉपुलर हो गया था डांसिंग बियर के नाम से, ठीक है। सो इट अपीयर्स दैट दे आर डांसिंग, ठीक है, तो ऐसा लगता था कि वो डांसिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बट ये संगल बियर है जिसको जो आइडेंटिफाई हुआ अभी रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो है जो कि प्राइमरीली अर्थ की सरफेस जो है, एटमॉस्फेयर जो है अर्थ के, उसमें प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस जो है नहीं पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बताइए जी। नाइस क्वेश्चन। एटमॉस्फेयर की जब हम स्टडी करते हैं या फिर एयर पॉल्यूशन की जब हम लोग स्टडी करते हैं ना, तो वहां पे हम लोग देखते हैं ये वाला जो टॉपिक है ये हमारा वहां पे आता है। वहां पे मैंने आपको बताया है प्राइमरी जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं, अच्छे से करके जाना, क्वेश्चन आ सकता है आपके, ठीक है जी। और मुझे भी एक बार फटाफट से बताइए, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर गाइस वो है हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स।
नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, जिसे एनओएक्स के रूप में भी जो है डिनोट किया जाता है। ये एक प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो कि एटमॉस्फेयर में मिलती है। तो ये कैसी गैस है भाई बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आपने। तो ये कैसी गैस है, किस प्रकार की गैस है ये आपने बताना है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन जो ऑक्साइड्स हैं, अ ग्रीन हाउस गैस इज अ गैस इन एन एटमॉस्फेयर दैट एब्जॉर्ब एंड एमिट्स रेडिएशन विद इन द थर्मल इंफ्रारेडेड रेंज। द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर आर द वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। नाइट्रोजन ऑक्साइड एक्ट एज एन इनडायरेक्ट, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ध्यान रखिएगा वो एक इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसेज होती है, बाय प्रोड्यूसिंग दैट ट्रोपोस्फेरिक ग्रीन हाउस गैसेज ओजोन वाय द फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन द एटमॉस्फेयर। देखिए जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है ये एक्चुअली जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो ऑलरेडी ट्रोपोस्फेरिक जो लेयर होती है हमारी एटमॉस्फेयर की, उसमें जो मौजूद होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट, उनके रिएक्शन से बनती है। कैसे बनती है? उनके रिएक्शन से बनती है। इसीलिए दिस इज नॉट अ प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस, दिस इज अ सेकेंडरी या फिर इनडायरेक्ट फॉर्मेशन जो है इसका होता है। क्लियर है जी? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एवरी ईयर, ठीक है, प्रत्येक वर्ष ए अ मंथ लॉन्ग इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपेनियन और फेस्टिवल इज हेल्ड ड्यूरिंग विच सर्टेन कम्युनिटीज और ट्राइब्स प्लांट स्पैनिंग्स ऑफ द फ्रूट बियरिंग ट्रीज विच आर द फॉलोइंग सच कम्युनिटीज और ट्राइब। वो कौन से ट्राइब्स और कम्युनिटीज है जो कि ये जो फेस्टिवल्स है जो कि फ्रूट बियरिंग ट्रीज से रिलेटेड है वो बनाती है, वो बताना है आपकी। तो हर साल एक महीने तक चलने वाला, एक महीने तक मनाते हैं वो भी देखिए, एक महीने तक चलने वाला पारिस्थितिकीय रूप से महत्वपूर्ण अभियान और उत्सव आयोजित किया जाता है, जिसके दौरान कुछ समुदाय और जनजाति फल देने वाले पेड़ों के पौधे लगाती है। क्या लगाती है? फल देने वाले पेड़ों के पौधे लगाती है। और निम्नलिखित में से ऐसा करने वाला समुदाय और जो जनजाति है वो कौन सी है बताइए जी। ओके कौन सी प्रजाति है? ABCD चार ऑप्शन है हमारे पास। ये कौन सी ट्राइब है और कम्युनिटी है जो कि ये फेस्टिवल मनाती है? तो ये फेस्टिवल बनाने वाली जो हमारी जनजाति और समुदाय जो है वो है हमारा गोंड और कोरकू। ठीक है, ये दो जनजाति जो ये फेस्टिवल मनाती है एक महीने तक। ठीक है, जो पेड़ फल देते हैं उनके पौधे लगाती है एक महीने तक। ओके, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द रीसेंट ट्रेंड्स इन द गोंड एंड कोरकू ट्राइब्स इन द मध्य प्रदेश MP के अंदर है, ऑफ प्लांटिंग फ्रूट ट्रीज स्पैनिंग्स सैपलिंग्स। ठीक है, कंसीडिंग विद द हरी जीरो टी फेस्टिवल। ठीक है, इसका जो है फेस्टिवल को नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एंड द क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय डब्सन यूनिट। डब्सन यूनिट के द्वारा, डब्सन जो यूनिट है उसके द्वारा किसका मेजरमेंट होता है? डब्सन किसका मेजरिंग यूनिट है? ओजोन कंसंट्रेशन का, थर्मल कंडक्टिविटी का, सॉइल मॉइस्चर का या रेडिएशन का? किसका एक मेजरिंग यूनिट है डब्सन? सो गाइस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द ओजोन कॉन्सेंट्रेशन। ये जो है ये ओजोन कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करता है, मतलब एक एक यूनिट में कितने मॉलिक्यूल्स जो है इकट्ठे हो रहे हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताता है, ओजोन के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हमें बताता है।
और ये किसके द्वारा मेजर किया जाता है? डॉब्सन यूनिट के द्वारा इसे मेजर किया जाता है. ओके, सो एक बार इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. डॉब्सन द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग ओजोन कंसंट्रेशन. वन डॉब्सन यूनिट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ लेयर ऑफ प्योर ओजोन 0.01 ओके मिलीमीटर्स थिक एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस एंड अ प्रेशर ऑफ 1 एटमोसफियर. ठीक है जी, तो ये ओजोन कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने का एक हमारा यूनिट है. आगे बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क वॉज इस्टेब्लिश्ड एट विच अमंग द फॉरिंग नेशनल पार्क. ठीक है, भारत का पहला बटरफ्लाई पार्क जो है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया गया था? ठीक है, आपको बताना कर्नाटका में है या कलकत्ता, असम, असम कहाँ पर है, असम में है, कहाँ पे है? ओके, सो गाइस ये जो नेशनल पार्क मतलब ये जो बटरफ्लाई पार्क जिस नेशनल पार्क में खोला गया है वो हमारा है बनेरघट्टा नेशनल पार्क जो है हमारा कर्नाटका में, वहां पे ये है. ठीक है जी, कर्नाटका का एक नेशनल पार्क है बनेरघाट, है ना, बनेरघट्टा नेशनल पार्क है, वहां पे ये जो बटरफ्लाई पार्क है ये इस्टेब्लिश किया गया है. ठीक है जी, इसके बारे में एक बार थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. बनेरघट्टा नेशनल पार्क जो कर्नाटका में है वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1970 में इसे फाउंड किया गया था एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क इन 1974 और इसे डिक्लेयर किया गया था एज अ नेशनल पार्क 1974 में और इट इज लोकेटेड नियर द बैंगलोर कर्नाटका. ये बैंगलोर कर्नाटका के पास में समीप ही है एंड द फर्स्ट बटरफ्लाई Encloses in India is located in this national park. Apart from that, the park has a zoo, an animal rescue center, a snake house, a pet corner, and an aquarium and a safari park. मतलब इस पार्क में काफी सारे भैया क्या है आपके लिए मनोरंजन के जो है साधन जो है यहाँ पे उपलब्ध है आपको. ठीक है जी, आप जाएंगे डेफिनेटली विजिट करें, एक ही पार्क में आपको जो है बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसे देखेंगे. So answer this, which among the following is a wildlife trade monitoring network? Which among the following is a wildlife trade monitoring network? कौन सा है भाई बताइए जी. DISS, PETA, UN Habitat या फिर ट्रैफिक. वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क पता लगाने के लिए कई भाई वाइल्ड लाइफ की ट्रेडिंग को मॉनिटर करने के लिए कौन सा नेटवर्क बनाया गया है उसको बताना है आपने. यहां पे आपका जो गाइस करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर डी ट्रैफिक. ट्रैफिक इज द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी.
ट्रैफिक जो है फाउंड इन द 1976 ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम यूके में है. डीआईएस डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज इज लोकेटेड इन यूके, दिस इज आल्सो इन यूके. PETA is a people for the ethical treatment of animals not related to the wildlife and uninhabited is a United Nations human settlement program. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो तीन चार ऑप्शन थे उनका डिस्क्रिप्शन दिया है. फिलहाल ट्रैफिक जो है ये 1976 में फाउंड किया गया था ताकि जो वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जैसे टाइगर वगैरह हो गए या क्या होता है जो हाथी होते हैं एलिफेंट्स होते हैं उनके क्या किए जाते हैं जो दांत होते हैं उनकी जो है मतलब ट्रेडिंग होती है बहुत महंगे महंगे बिकते हैं और उनको मतलब एक तो होता है हाथी का दांत खुद ही टूटे और एक होता है आप उसको जबरदस्ती तोड़ ले तो पेन तो होता ही है ना भाई, हमें भी होता है तो जानवर को भी तो होता ही है. तो इसलिए जो है ये ट्रैफिक करके एक जो है योजना लाई गई थी. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज लोकेटेड एट. नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे देखिए नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन आपके बन सकता है ना और इंपॉर्टेंट एरिया है जरूरी नहीं है यही करंट अफेयर्स हर जगह काम आता है तो आपने पता होना चाहिए. तो बताइए नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट से ठीक है सबसे बड़ा जो उद्यान है वो कहाँ पे है, आसाम में है, मिजोरम में है, अरुणाचल प्रदेश में है या फिर नागालैंड में है. लार्जेस्ट नेशनल पार्क इंडिया. देखिए करंट क्या होता है, करंट रेगुलरली अगर हम थोड़ा थोड़ा वॉच कर रहे हैं ना उससे ये समझ में आने लग जाता है. ठीक है, उससे क्या होने लग जाता है ये हमें क्लियर होने लग जाता है. ओके जी, तो ये देखिए गाइस ये जो हमारा नेशनल पार्क है दिस इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश. ये नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक पार्ट है हमारा. तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित हमारा नेशनल पार्क है जो कि सबसे बड़ा है और ये है आपका नंदापा नेशनल पार्क. इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया. इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. इट इज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क. इंडिया का तीसरा लार्जेस्ट है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला है. इट इज द होम ऑफ द कॉमन इंडियन लेपर्ड, स्नो लेपर्ड्स एंड क्लाउडेड लेपर्ड्स एंड टाइगर्स. ठीक है, यहाँ पे ये जो है बढ़िया देखने को आपको मिल जाता है. ठीक है, नंदापा नेशनल पार्क. ओके चलिए आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन इज एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस फर्स्ट गवर्नमेंटल मीटिंग ऑन टाइगर कंजर्वेशन वॉज हेल्ड इन 2009 में सबसे पहले टाइगर कंजर्वेशन को लेके जो मीटिंग हेल्ड हुई थी वो कहां पे हुई थी बताइए, कुआलालंपुर, काठमांडू, कोलंबो या फिर बैंकॉक. टाइगर्स को लेके, टाइगर कंजर्वेशन को लेके देखिए मैं आपको बताऊं तो इंडिया ने टाइगर के कंजर्वेशन को लेके पहले ही 1976 में ही जो है मेजर्स यूज करना जो है स्टार्ट कर दिया था. बट लेटर ऑन 2009 में जाके गवर्नमेंट्स की जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी और ये जो मीटिंग हुई थी ये हुई थी आपकी काठमांडू में. कहाँ पे हुई थी आपके, काठमांडू के अंदर हुई थी. तो इंडियाज प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन 1973 द फर्स्ट गवर्नमेंटल मीटिंग ऑन द टाइगर कंजर्वेशन वॉज हेल्ड इन काठमांडू नेपाल इन अक्टूबर 2009. दिस मीटिंग हैज रिकमेंडेड अ सीरीज ऑफ 15 ग्लोबल
actions that need to be taken to change the trajectory of tigers from extinction to recovery, as well as commitments from the several tiger range countries. Later, first Asian ministerial conference on tiger conservation was held in Hua Hin, Thailand. ठीक है, थाईलैंड में एक जगह पे हुआ था, Hua Hin में, और एशिया की एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी. एंड इन जनवरी 2010 में हुई थी. और दिस कॉन्फ्रेंस अडॉप्टेड द गोल ऑफ डबलिंग द नंबर ऑफ टाइगर्स बाय 2022. ये 2022 में इसको डबल करने का टारगेट जो है वो रखा गया था. किसमें? 2010 के अंदर. कहाँ पे रखा गया था? एशियन मिनिस्ट्रियल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, हुआ हुई थाईलैंड के अंदर, वहां पे क्या रखा गया था? ये टारगेट रखा गया था कि हम डबल कर लेंगे टाइगर्स की पॉपुलेशन को 2022 तक. देखते हैं रिपोर्ट आएगी, 22 भी आने वाला है, और 22 की रिपोर्ट में पता लगेगा कि क्या किया है हम लोगों ने, है ना. ओके चलिए जी, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. एंड द क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन इंडिया इज आल्सो कॉल्ड द लार्जेस्ट लास्ट हाउस ऑफ व्हाइट विंग्ड वुड डक. किसे जो है, किस नेशनल पार्क को लास्ट घर बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में सफेद पंख वाले वुड डक का अंतिम घर भी कहा जाता है? जम्मू कश्मीर में है, आसाम में है, राजस्थान में है, या हरियाणा में है? कहाँ पे है? ये नेशनल पार्क कहां पे आपके? आसाम में है. कहां पे है? आसाम में. नेशनल पार्क का नाम है नामीरी नेशनल पार्क. द नेशनल पार्क इज नेम्ड एज नामीरी नेशनल पार्क. ठीक है जी, तो यहाँ पे नामीरी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम. इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ टाइगर रिजर्व इन द ईयर 1999 एंड 2000 एंड बिकम अ सेंचुरी इन 1985. और एक सेंचुरी बना था, ये कब बना था? 1985 में. ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ. और अगला प्रश्न है आपके सामने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर्स इज लो बोर्ड इन द सेंटर. निम्नलिखित में से किस में संख्याओं का पारिस्थितिकीय पिरामिड केंद्र में चौड़ा है? बताइए. ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पाउंड इकोसिस्टम, पैरेस्टिक फूड चेन, या फॉरेस्ट इकोसिस्टम. किसका इकोसिस्टम, कि इन निम्नलिखित में से, इन चारों में से किसका इकोलॉजिकल जो पिरामिड है ऑफ नंबर्स इज ब्रॉड इन सेंटर, बीच में से ब्रॉड है? बताना है जी भाई. क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, एंड द करेक्ट आंसर इज द गाइस ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम. फॉरेस्ट जो हमारे इकोसिस्टम है, इसका जो पिरामिड होता है वो सेंटर से कैसा बनता है? ब्रॉड बनता है. कैसे बनता है? तो ये देखिए, इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम द बेस ऑफ द पिरामिड इज फॉर्म्ड बाय द प्रोड्यूसर्स लाइक द लार्ज साइज ट्रीज, द हर्बीवर्स सच एज फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, डियर, एलिफेंट्स एक्सेट्रा मेक द प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड आर लेस देन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. After that, the number goes down at each successive level. Thus, a pyramid of number is a forest ecosystem, is a
partially upright and spindle shaped and numbers are broad in the center. This reason से इसके कारण क्या होता है, ये सेंटर से ब्रॉडर बनता है. फॉरेस्ट इकोसिस्टम ध्यान रखिएगा, ये आपके सेंटर से कैसा होता है, ब्रॉड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रीटी और द प्रोटोकॉल बैन्स ऑल माइनिंग इन द अंटार्कटिका. किस प्रोटोकॉल ने सारी जितनी भी माइनिंग्स होती है अंटार्कटिका में उसको बैन कर दिया है, डेजिग्नेटिंग द कॉन्टिनेंट एज ए नेचुरल रिजर्व. ओके, डिवोटेड टू पीस एंड साइंस. ठीक है, ये जो है ये किसके द्वारा किया गया, मतलब कौन सा प्रोटोकॉल है या कौन सी ट्रीटी है बताइए. अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम, अंटार्कटिका कंजर्वेशन एक्ट, क्रैमरा, ठीक है, क्रैमरा एंड अंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल. कौन सा प्रोटोकॉल है या फिर कंजर्वेशन है बताइए. ट्रीटी है, कंजर्वेशन है, प्रोटोकॉल है या एक एक्ट है, क्या है बताइए जी. जितनी भी माइनिंग्स होती है ना वो उसे रोक दिया गया है, मतलब ऐसे बोला गया कि भाई इसे नेचुरल रिजर्व रहने दो, है ना, इससे छेड़छाड़ मत करो अंटार्कटिका से. अंटार्कटिका में आपको ही पता है काफी सारे रहस्य जो है छुपे हैं अंटार्कटिका के अंदर. करंट अफेयर्स एनवायरमेंट से तो पक्के से पक्का आएगा, मैं कह रही हूं आपको, और वो कुछ भी हो सकता है, नेशनल पार्क पे भी हो सकता है, इस टाइप की प्रोटोकॉल्स और ट्रीटीज पे भी हो सकता है, किसी भी हो सकता है आपके. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल. ये जो प्रोटोकॉल है ये हमारा है अंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल. इसमें ये डिसाइड किया गया है कि भाई छेड़छाड़ ना की जाए अंटार्कटिक रीजन से, कोई भी माइनिंग वगैरह ना की जाए. माइनिंग में आपको पता है ड्रिलिंग होती है, ठीक है, खुदाई उदाई होती है तो भाई फिर चीज़ें भाई इधर उधर हो ही जाती है, प्लेट्स खिसकती है क्योंकि ड्रिलिंग करनी पड़ती है. अब ऐसा तो है ना कि छोटा सा छेद हो गया, बड़े बड़े छेद होते हैं, होल्स किए जाते हैं और एक जगह कुछ नहीं किया, दूसरी जगह देखा जाता है, दूसरी जगह तो तीसरी जगह. तो ये कहा गया कि माइनिंग वगैरह सब अवॉइड करो एंड डिवोटेड टू पीस एंड साइंस. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ. और अगला प्रश्न आपके सामने है और ध्यान रखिएगा, जो अंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल है ये आपके मैड्रिड प्रोटोकॉल के नाम से भी इसे जाना जाता है. थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है नाम बदल के दे दिया जाए, तो कंफ्यूज मत होइएगा. दिस इज ऑल्सो नोन एज द मैड्रिड प्रोटोकॉल. ओके, चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वाइडली यूज हर्बिसाइड, खरपतवार. ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला शाकनाशी. ठीक है, खरपतवार भी हर्बिसाइड जो है वो आपको बताना है. खरपतवार भी नहीं कहते हैं ना, शाकनाशी भी कहते हैं, खरपतवार भी कहते हैं. बताइए जी कौन सा है वाइडली यूज होता है, बहुत अधिक मात्रा में यूज, मतलब अधिक मात्रा में नहीं, अधिक यूज होता है, अधिक उपयोग किया जाता है, हाईली रिकमेंडेड कह दीजिए और तो क्या है. चलिए तो यहाँ पे गाइस हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द 2.4-T. ये इसका नाम है जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है. एक एसिड है, इट्स एसिड, तो जो हर्बिसाइड्स के लिए यूज किया जाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज, और इसे 2,4-D के नाम से भी जाना जाता है. इट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2. देखिए ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ही इसको डेवलप किया गया था और इसका फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है ना 1940 से स्टार्ट हो गया था और फिर ये सबसे ज़्यादा क्या किया जाने लगा, यूज़ किया जाने लगा. आजकल अगर आप देखेंगे तो वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में वो टेस्ट नहीं आता जो कि मुझे लगता है मैंने जो बचपन में खाए थे ना वेजिटेबल्स, उनकी स्मेल जो होती है, फ्रेग्रेंस जो होती है और उनका जो टेस्ट होता है, एटलीस्ट वो सब जो है डिसअपेयर होते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ,
है ना जी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑल्सो डिनोटेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग। जो कन्वेंशन है ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसे किस नाम से भी डिनोट किया जाता है? कॉप 10, कॉप 11, कॉप 12 या कॉप 15? बताइए जी भाई, इसे और किस नाम से इंगित किया जाता है, डिनोट किया जाता है? कॉप 10, 11, 12 या फिर 15? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑल्सो डिनोटेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग। तो इसे देखिए गाइस, जो है कॉप 10 के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज द कॉप 10, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। द 10th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज ऑर्गेनाइज इन नगोया इची प्रिफेक्चर जापान इन 2010, ठीक है, 2010 में हुई थी और इसे कॉप 10 के नाम से भी जाना जाता है, नगोया के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द डेंजरस ग्रीन हाउस गैस क्रिएटेड बाय द वाटर वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर के द्वारा क्रिएट की जाने वाली सबसे डेंजरस ग्रीन हाउस गैस जो है वो कौन सी है? नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? बताइए जी, वेस्ट वाटर के द्वारा सबसे डेंजरस ग्रीन हाउस गैस जो बनाई जाती है वो कौन सी होती है? एंड गाइज, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल की और मेरे दोनों के सपोर्ट के लिए भी, है ना जी। और कमेंट जरूर किया करें, जो भी आपका कमेंट हो गाइज, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जो भी रिव्यू आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, कि आपको क्लास अच्छी लगती है नहीं लगती है, इम्प्रूवमेंट्स के एरियाज डेफिनेटली बता सकते हैं, मोस्ट वेलकम है भाई। चलिए यहाँ पे आंसर है आपका मीथेन, ध्यान रखिएगा। वेस्ट वाटर से सबसे जो डेंजरस गैस निकलती है ना वो हमारी मीथेन होती है, ठीक है। मीथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन एन ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट। द ट्रीटमेंट एंड द हैंडलिंग ऑफ वेस्ट वाटर ऑल्सो प्रोड्यूसेस मीथेन, ठीक है। जो ट्रीटमेंट किया जाता है और जो हैंडलिंग होती है ना वेस्ट वाटर, उससे भी क्या होती है, मीथेन निकलती है, तो इसलिए, ठीक है, ये सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एंड द क्वेश्चन इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर चिप और अ कंपोनेंट दैट द कूलिंग सिस्टम इन अ कंप्यूटर इज डिजाइंड टू डिसिपेट अंडर द वर्कलोड इज नोन एज कूलिंग मशीन, थर्मल डिजाइन, पावर ड्रैम या फिर माइक्रो कंप्यूटर, उसे क्या कहा जाता है? एक कंप्यूटर चिप या घटक द्वारा उत्पन्न गर्मी की अधिकतम मात्रा जिसे कंप्यूटर में शीतलन प्रणाली को किसी भी कार्यभार के तहत समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है कि किसके रूप में जानी जाती है, किसके रूप में जानी जाती है? चलिए, तो इसे कहा जाता है ड्रैम, इसे ध्यान रखिएगा, इसे ड्रैम कहा जाता है, ड्रैम के कारण होता है ये, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटी कोविड ड्रग 2DG has been developed by which organization? वैसे कोरोना आई थिंक ऑलमोस्ट अभी डिसअपीयर ही होता जा रहा है, तो अभी आंसर करेंगे, एंटी कोविड जो ड्रग है हमारा 2DG, ये जो है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? 2DG एंटी कोविड ड्रग डेवलप्ड बाय,
डीआरडीओ, इसरो, सीडीआईआर और डीजीसीआई किसके द्वारा जो है बनाया गया है? आंसर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है. ओके, तो ध्यान रखिएगा जो ये एंटी ड्रग जो है आपके एंटी कोविड ड्रग जो है 2DG, ये आपके डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है. किसके द्वारा? ये हमारी गवर्नमेंट बॉडी है डीआरडीओ, इसके द्वारा ही डेवलप किया गया है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. एंड एंटी कोविड 19 therapeutic application of the drug 2DG has been developed by the Institute of Nuclear Medicine and Allied Services, a lab of DRDO, in collaboration with Dr. Reddy's Laboratories, Hyderabad. ठीक है, इनके सहायता के साथ जो है इस ड्रग को बनाया गया है. आगे बात करते हैं, ये क्रिप्टो करेंसी को लेके था कि क्रिप्टो करेंसी का जो एक फीचर है डॉज कॉइन, ये किसके ऊपर आधारित है? तो ये डॉज जो है इस पे आधारित है, जो कि किससे लिया गया है? डॉग से लिया गया है. ठीक है, इंस्पायर बाय द क्रिएचर, किस क्रिएचर पे से इंस्पायर्ड है? दैट इज द डॉग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. बाकी की चर्चा हम लोग अगले सेशन में करेंगे, नेक्स्ट जो वीकेंड आएगा हमारा, है ना, वहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं. फिलहाल आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं गाइस. सो सेशन अच्छा लगा हो तो एज यू नो कि लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल की और मेरे दोनों के सपोर्ट के लिए. इसके अलावा अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे फ्री लाइव क्लासेस अवेलेबल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं पूजा टाइम कोड लगा के, दिस इज द इनवाइट कोड. इसके अलावा रिसर्च में भी हमारा बेसिक कोर्स जो है चल रहा है, फाउंडेशन कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है रिसर्च एप्टीट्यूड में. और रिसर्च एप्टीट्यूड के बाद मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाली हूँ पेपर टू कॉमर्स में फाउंडेशन बैच. और ध्यान रखिएगा 10 के 10 यूनिट में आप लोगों को कवरअप करवाने वाली हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर. आपको टारगेट चाहे अक्टूबर एग्जाम हो, चाहे आप टारगेट कर रहे हैं जून 2022, दोनों में ये जो कोर्स है आपको काम आने वाला है. ठीक है जी, अक्टूबर का तो चलो ठीक है थोड़ा बहुत कवर अप हो जाएगा, बाकी जून में ये आप लोगों के लिए हेल्प करेगा. जून की प्रिपरेशन हमें अभी से करनी पड़ेगी. ध्यान रखिएगा 1 महीने 1 दिन में पढ़ाई नहीं होती है, महीनों तक हमें कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना होता है. यहाँ पे अगर आप अभी बैचेस ज्वाइन करते हैं तो ध्यान रखिएगा आपका जो है रिविजन भी हो जाएगा, थ्योरी भी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एमसीक्यूज भी हो जाएंगे, रिविजन भी हो जाएगा, साथ ही साथ आपको अपना एनालिसिस भी पता लग जाएगा. और ये हमेशा कोर्स आपको काम आने वाला है क्योंकि आगे जाके आप इसी में PhD करने वाले हैं. ठीक है, बाकी फ्री क्लासेस में आपको मिल जाते हैं काफी सारे एडिशनल बेनिफिट्स. इसके अलावा कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट अगर वीडियो में नजर आए तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं. और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें. ठीक है गाइस, थैंक यू एवरीवन फॉर टेकिंग द क्लास. बाय बाय एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे.